क्या राय होगी यहाँ से, कल एक्सपायरी ये उम्मीद करें कि अच्छे नोट पे होगी, क्योंकि इस सीरीज में हमने देखा है कि बाजार ने आउट परफॉर्म किया है। नहीं बिल्कुल अनिश जी, मुझे लग रहा है कि देखिए आज जो सेकंड हाफ का सेशन था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेशन था, और आज जो FIIs के आंकड़े आ गए हैं, इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में बाइंग की है, करीबन 1200 करोड़ की बाइंग कैश सेगमेंट में हुआ है। और मुझे लग रहा है कि देखिए कल की एक्सपायरी भी अच्छे लेवल पे होनी चाहिए। हालांकि मार्केट का सेंटिमेंट अच्छा है, आज बजाज फाइनेंस के जो नंबर्स आ गए मार्केट के बाद, बहुत ही दमदार नंबर आ गए, 30% का ग्रोथ है, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है, प्लस काफी बड़ी मात्रा में नए क्लाइंट एडिशंस करे हैं। तो जैसे जैसे नतीजे आएंगे मेरे ख्याल से मार्केट्स थोड़ा सा और उत्साहित होगा, सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। तो कल के सत्र में मुझे लग रहा है कि मार्केट ओपन तो पॉजिटिव होगा, उसके बाद जिस प्रकार के नतीजे आते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि कल भी रिजल्ट हैवी डे है, तो डेफिनेटली मार्केट्स रिजल्ट्स को देखते हुए सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा और इंडेक्स में आपको एक पॉजिटिव रुझान ही देखने को मिलेगा। तो एक्सपायरी अच्छी खासे लेवल पे बंद होने की अपेक्षा रहेगी। कोई लेबल आप देना चाहेंगे, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है, कोई स्टॉप लॉस पर कोई टारगेट कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में? देखो, पहले तो एक मैं चीज कहना चाहूंगा, हम लोग पोजिशनली शॉर्ट इंडेक्स के ऊपर बना रहे हैं, धीरे धीरे करके पोजिशन ऊपर की साइड में बना रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ से एक रिवर्सल पेंडिंग है, और एग्जैक्टली मार्केट ने जो पिछले वाला गैप पेंडिंग था वो गैप के आसपास एक रेजिस्टेंस लिया है। तो कल अगर मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग या फिर गैप ओपनिंग होता है, तो जो भी लोग बाइंग करके गए वहां पे वो सेलिंग करेंगे, और उसके साथ एक फ्रेश मोमेंटम के साथ फिर से एक सेलिंग देखने को मिलेगा। जब तक मार्केट 17,750 ये लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तब तक आप अपनी पोजीशंस बाइंग में रख सकते हैं। लेकिन अगर कल 17,750 के नीचे अगर बाजार 15 मिनट भी क्लोजिंग दे देता है, तो एक बार के लिए अपनी जो लॉन्ग पोजीशन से उससे एग्जिट करना चाहिए। और यहाँ पे मैं निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में एग्रेसिव शॉर्ट देना पसंद करूंगा। 42,000 से 800 से लेके 43,000 ये 200 पॉइंट का जो रेंज होगा वो मैं यहाँ पे खुल के बिकवाली करूंगा, और मेरा जो टारगेट है वो 42,000 होगा। और ये टारगेट मैं मई के फर्स्ट वीक या फिर 10 तारीख का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऊपर में स्टॉप लॉस 43,200 का जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो रैली आई वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग स्टॉक ने ही लीड किया है। रिजल्ट सीजन ओवर हो चुका है, छोटा मोटा रिजल्ट अभी किसी बैंक का बाकी होगा तो बाकी होगा, लेकिन यहाँ पे एक मुनाफा वसूली आने वाली है, और मुझे लग रहा है कि बैंकिंग एक बेस्ट प्लेस होगा कि वहां पे आप शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। इंडेक्स में अभी 17,750 के नीचे जब तक बाजार नहीं जाता है, तब तक कोई भी फ्रेश पोजीशन शॉर्ट की ना बनाए।